ने कितनी बार ली है? झूठ बोल रहा, आप आए तो इसलिए कह रहा है। जिन्हें 50 का तेल डाल के वो कितना का सौदा लेके जाएगा? लेना है, बंदा मर जाए उनका नाम ही लेना। अब्बा जी क्या हाल है? हां जी ठीक है। इतनी कमाल बचत किने बचाए लिया? कोई पैसा नहीं बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता। गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाता है। गरीब आदमी वैसे ही मर जाता है, जिसका कुछ भी ना होता उसके लिए तो कुछ भी नहीं। मुझे इतना बताएं कि आज आपने लिया क्या? हाँ जी 100 रुपए किलो टमाटर लिए। 100 रुपए किलो? हाँ जी। टमाटर का रेट इधर क्या? 95 रुपए। 5 रुपए उसने वापस ही नहीं दिया मुझे। यानी बचत तू भी उतर ले गया? हाँ जी। 3 रुपए की कुल बचत का धनिया उसने ऊपर ले? हाँ जी। 10 की पुदीने की गड्डी दिया उसने मुझे। अच्छा जी। और 10 रुपए का धनिया दिया उसने। तो आपको बचा के? कुछ भी नहीं बचा। 100 रुपए में 95 रुपए किलो आपको टमाटर मिल रहे? कुछ भी नहीं। उसने 100 रुपए में से बाकी 5 रुपए दिए ही नहीं? हाँ जी। इधर 10 रुपए की गड्डी देके आपको फर्क? हाँ जी। शर्माता जा और सुनता जा, सुनता जा शर्माता जा। ये वालेकुम अस्सलाम, इनसे ये पूछा 100 से ऊपर चीज क्यों नहीं देनी? हमने पैसे देने, मुहत तो दे नहीं रहे इनसे। आलू से 3 किलो मांगे गए नहीं, जो 100 के देने इससे बाद 1 रुपए की चीज नहीं देनी। ये किसने बोली? ये देखें 100 के दिए, 3 किलो मांगे वो नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये किसने पॉलिसी दी है कि 100 रुपए से ऊपर? सर सबको दे रहे, जितने को मर्जी ले रहा है। जितने मर्जी ले सकते हैं? ले सकते हैं। सबको दे बहन भाई, आगे आ जाइए। वो कह रहे हैं हमने तो 100 रुपए की पॉलिसी। सर पूछे देखे, मैंने इनसे बोला यहाँ पे दूसरी औरतों से पूछे, मैंने कहा 3 किलो कहते 100 के देने हैं। इनसे ये पूछे इन्होंने कितनी बार लिए, ये अपने ईमान से बता दे। मुझे 100 रुपए से ऊपर देने पर पाबंदी, मना करते हैं? क्या करते हैं? मना करते हैं, मना करते हैं, मना करते हैं जी। 100 रुपए से ऊपर मना कर रहे हैं जी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और सर जिन्हें को मांगता वो नहीं दे रहे हैं? तो अभी दे ना। अब 100 के दे रहे हैं? 100 के दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहा, आप आए तो इसलिए कह रहा है, नहीं तो वैसे दे रहे। 100 से ऊपर एक चीज नहीं दी जी। 100 से ऊपर चीज नहीं देते? नहीं देते। 100 से ऊपर चीज नहीं देते? 50 का तेल साड़ के आना, जिन्हें 50 का तेल साड़ के आना वो कितना का सौदा लेके जाएगा? 5 रुपया वास्ते कितों असि मुगलपुरों चल के आए इधर तक 5 रुपया की बचत? अपने भले के मैसेज करो, आप ना है वो आटा नहीं दे रहे हो लोग। आप आटे की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, आटे का नाम भी नहीं लेना। मैं आपको सही बता हाँ जी, ईमानदारी से आटे का नाम लेंगे हमें काटना पड़ जाएगा। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। नहीं तो आटे क्यों का जिक्र करने पर मना किया गया है? तो फिर क्यों लोगों को कहते आटे थी? नहीं नहीं, लोगों को बंदा मर जाए उनका नाम ही लेना। लोगों को क्यों बनाए पागल? क्या एक गरीब आम के लिए आटा फ्री है? यहाँ तो दे नहीं रहे। जवाब आप दे रहे, मैं तो बेचारा घूम। नहीं क्यों कह रहे ना है बेन से के दफ्तर जाओ, वहाँ भी धक्के खा गया। ये बेन बता रहे ना है ना है, जब भी लेकर आ रहे हैं आटे का थोड़े के लिए लेकर आ रहे हैं। मेरे मियाँ मुल्तान मजदूरी कर रहे हैं और हम देखे आ रहे हैं, कह रहे हैं ना हिले, कहाँ जाएं हम? फिर वही 650 का देते रहते। मैं सस का थोड़ा एक तो मिले, बाकी कहते तो 2 थोड़े ला गए हैं, तो बाकी कौन सा नहीं मिलेगा आटा का? आटा नहीं मिलेगा? पहले 650 का था फ्री हुआ है, तो 1150 का कर दिए। इसके लिए पंजाबी की एक मिसाल है, सुना दूं? जी सुना। अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ते हैं। हाँ। एक अंधी औरत आटा पीस रही थी। अच्छा। वो निकाल के साइड पर रखती थी। अब चूंकि वो आंखों से अंधी थी तो कुत्ते आकर खा जाते थे। तो ये वो बाकी अंधी हो जाए, ये वो चल रहा है। बस मैं इस पे इसे आगे कुछ नहीं कर सकता। ये सिचुएशन है जी। मेरे अकाउंट में देख सकते हैं चीनी फी किलो 80 रुपए। वजीर आजम ऐलान कर चुके हैं कि रमजान बाजारों में और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए में बिकेगी, लेकिन आज भी 80 रुपए में बेची जा रही है। यानी कान पर जू नहीं रींगती। इंतजामिया जिम्मेदारान 80 रुपए में इस वक्त भी बेच रहे हैं। अब अगर बाहर भी वही रेट है, यहाँ भी वही रेट है, तो आम आदमी प्रायोरिटी क्यों देगा? अली भाई चीनी का तो ऐलान हो चुका कि 70 रुपए किलो मिलेगी, वजीर आजम ने किया। शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं? हमें अभी तक नहीं बताया गया। अभी तक नहीं बताया गया? किसने बताना होता है सर? डीसी साहब ने बताना है। डीसी साहब ने बताना है? तो डीसी साहब को भी नहीं पता कि वजीर आजम ने ऐलान क्या किया, कि वजीर आजम ने बस हमें ही ऐलान करता है? सर हमें बताएंगे तो हम बेचेंगे ना। अच्छा, हम आपको 70 रुपए कहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कितनी देर तक चीनी आज पूरी स्टॉक कितना आता है पूरे दिन में निकालने के लिए? सर 100 थोड़ा भी आता है, 150 भी आता है। सस्ती चीजें थी लोग खरीदते थे जी। अब क्या मार्जिन नहीं है? मार्जिन यही है कि चीनी बाजार में 60 से 90 से 95 रुपए बिक रही है।
ठीक है, इधर मिल रही है 80 रुपीस। वजीर आजम ने 70 का अनाउंस कर दिया सरकारी रेट, तो सर एक सेकंड, जी जी, सरकारी रेट चीनी का 80 रुपए है जी, और 80 रुपए बाहर है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। रोजा है माँ जी? जी बिल्कुल रोजा है। यहाँ कितने देर से बाजार में मौजूद है? मैं यहाँ से 2 घंटे से मौजूद हूँ। क्या विटनेस किया? मैंने ये विटनेस किया कि कल मैं लीमू लेकर गई हूँ, वो खराब है। मैंने दुकानदार से कहा वापिस लो, उसने वापिस नहीं लिए, उसने उठा के फेंक दिए। बंदा आ जाएगा ना यहाँ इंतजामिया के बंदे का कोई आदमी आ जाएगा ना, तो ये पहले उसको चीज देंगे, लाइन खड़ी रहेगी। हाँ हाँ, वो तो मरा हस्पताल के अमले का बंदा। ओ भाई, ये एक महीने का रमजान है, आप लोगों को इज्जत दें, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं तो इज्जत से दें। बहुत जायज बात है, अल्लाह आपसे राजी हो, आपके लिए आसानी करे माँ जी। ये लीमू है जी, आप खुद इमेजिन करें कि कितने दिन पुराना लीमू है। करंट सिचुएशन आप देखें। मुझे एक चीज बताएं, अस्सलाम वालेकुम, ये सब्सिडी का लीमू है जी, आगे आ जाए ऐ इंदे ते जेड़ी सरकार ने सब्सिडी देनी है ओ किने टेढ़े जानी है। ए ते सानू की पता है, जो सानू मिलना से ऐ क्वालिटी किने दिन पहले थोड़े को आई थी? सुबह माल ताजा आता है। ये ताजा है कहीं से? ए हूं पेटी खोली है। इसकी हालत तो देखें जी, सुबह से ऐसे निकल रहे हैं। ये सी कैटेगरी है। होगा सर, हमें क्या, आपको नहीं पता? हमें जो मिलता है बेच रहे हैं। आपको सब्जी का नहीं पता? हमें जो मिलता है मेरे भाई, एक सेकंड, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपको सब्जी के बारे में पता है? नहीं पता। पता है, पता क्यों नहीं? इच्छी बिच्छी पता है? नहीं पता। ये सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है? ये है हल्की क्वालिटी है। हल्की क्वालिटी है ना, हल्की क्वालिटी पे सब्सिडी कैसे हो सकती है जी? उनको चाहिए खराब क्वालिटी पे, उनको चाहिए ना अच्छी क्वालिटी दे। अब आपने लेसन देखना है जी। हाँ जी, ये लेसन है। चीनी नहीं ले खड़े हो के जब हमारी बारी आई है तो चीनी बंद हो गई कि अच्छी बात नहीं है। चीनी 5 बजे बंद होनी थी, अभी तो 5 नहीं बजे। हम खड़े हैं 2 बजे के लाइन में, इन्होंने सही भी लगाई है और चीनी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि नहीं है। दोबारा कहे, दो माँ का बच्चा 2 घंटे हो गए मैं छोड़ के यहाँ, बीच में और भी अपने अमले को नहीं जा रहे, बीच में जा रहे हमने तो शिकायत। इधर ही रुकेंगे आप, इतनी बड़ी देर के बाद बारी बारी आई है तो वो कह रही थी 5 बजे तक चीनी मिलनी थी, अभी तो 5 नहीं बजे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है यहाँ का इंचार्ज जी? अस्सलाम वालेकुम, कौन है इंचार्ज इधर का? अस्सलाम वालेकुम, इंचार्ज कौन है भैया? आपका नाम क्यों? ये क्या है? आप अपने थैले भर रहे हैं और बेहतर आए इधर आए। नाज़रीन ये देखे चीनी कहाँ छुपाई हुई है, और कहानी क्या है कि चीनी खत्म हो गई घंटों से लोग यहाँ बैठे हैं और चीनी छुपा के रखी जा रही है। किसके लोगों की चीनी है? वो कहाँ है 5 लोग? वो कहाँ है हमारे भाई? वो कहाँ है? हमारे घर वाले हैं, आखिरी पे हमने 5 लिए हैं। आपने जो लोग आए हुए थे उनको तो दी सर हमने आखिर। हाँ जी, ये तो हो गई मामला एक साइड का। आएंगी दूसरा, बहन थोड़ी जगह दे दें, जगह दे दें। सारी हमने रखी हो गया, जब हमारी बारी आई बहन साइड पे खत्म हो गई क्या? साइड पे, साइड पे। मुलाजम कह रहा था बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और सफियान की वालदा सोनिया की भी जान गई। नाज़रीन आप देख सकते हैं पूरे पूरे तोड़े पड़े हुए चीनी के, और कहा ये जा रहे हैं कि चीनी है नहीं। ये देखे, ये देखे। और सिर्फ मसला क्या है कि देनी नहीं। आप छोड़ देना एक बात, आपका मसला यार ये थैले खुली रहे चले। सबर करें, सबर। ये देखें, ये आप बेच सकते थे ना, आप बेच सकते थे। इस चीनी को क्या मसला है? नहीं, ये आपने दिए क्यों नहीं लोगों को? रेट कम मिला इसमें, रेट कम है, वो कह रहे वजन कम है। पैकेट में डाल के शॉप शॉपर नहीं ना आपके पास। ये देख रहे हैं आप इनका वेट कम है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, और सबर कर, सबर कर। इधर है, इधर है जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमजान, सिविल डिफेंस से जी। इधर आए ना इस साइड में मोहम्मद रमजान साहब जी। पहली बात ये कि चीनी बेचना किसकी जिम्मेदारी है? चीनी वालों की। स्टॉल का मुलाजिम कौन है? वो उधर आप तो नहीं है ना? नहीं। बस इसको इधर रखते हैं, उस बंदे को इधर भेज दें। भाई जान कौन है? बंदा भेजो, कौन है रमजान साहब? बंदा भेजे चीनी वाला।